जलंधर जिमनी चोणां दा नतीजा 13 मई नूं आया सी अते इस चोण दे प्रचार दौरान मुख्यमंत्री मान ने एक वड्डा वादा कीता सी कि जेकर उन्हां दा कैंडीडेट जित के आउंदा है तां छेती ही आदमपुर वाली सड़क दा काम कीता जावेगा। चोण नतीजे नूं अजे 4 ही दिन बीते ने अते मुख्यमंत्री मान ने अपने वादे मुताबिक काम दी शुरुआत भी कर दित्ती है। अज जलंधर वासियां नूं मुख्यमंत्री ने एक वड्डी सौगात दित्ती। मुख्यमंत्री भगवंत मान आदमपुर रोड दा नींह पत्थर रखण पहुंचे। चोन प्रचार समय मुख्यमंत्री ने लोकां नाल यही वादा कीता सी। वड्डी गल है कि चोन नतीजिया दे एक हफ्ते दे अंदर ही काम शुरू भी हो गया है। इस मौके नवे चुने संसद मेंबर सुशील रिंकू भी मौजूद सन। लंबे समय तो लोकां दी मंग सी कि आदमपुर वाली सड़क नूं बनाया जावे। मुख्यमंत्री ने इस संबंधी ट्वीट भी कीता ते लिखिया कि जलंधर दे चोन प्रचार दौरान असीं वादा कीता सी कि नतीजा भावें जो भी आए आदमपुर वाली सड़क दा काम चोन जाबता हटदे ही शुरू कीता जावेगा। मैनूं इह दसदिआं खुशी हो रही है कि अज अपनी जलंधर फेरी दौरान आदमपुर वाली सड़क बनाउण दा काम शुरू कर देवांगे। जो कहिंदे हां ओह करदे हां। मुख्यमंत्री मान वालों इन्नी छेती इस सड़क का काम शुरू करन नाल यकीनी तौर पर जनता च भारी खुशी है। उत्थे ही विरोधियों के कोल इस बारे बोलन लई कुछ भी नहीं बचिया। इस दे नाल ही कैबिनेट की अज एक अहम बैठक भी हुई जिस तों बाद कई होर वड्डे फैसले लए गए जिन्हां च आबकारी विभाग च 18 नवीं असामियां नूं प्रवानगी दित्ती गई। सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अते फार्मेसी पटियाला दे गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर च मिलाप नूं मंजूरी दित्ती गई। माल पटवारियां दी ट्रेनिंग दा समां 1.5 साल तो घटा के 1 साल कर दिता गया। पशु पालन विभाग दे 497 सफाई कर्मचारियां नूं इक्को जिही तनखाह देण दा ऐलान कीता गया। मानसा जिले दे पिंड गोबिंदपुरा च सोलर प्लांट लाउण दी गल कही गई। जलंधर शहर नूं चमकाउण लई म्युनिसिपल कमिश्नर नूं पहली किश्त वजों दी राशि जारी कर दित्ती गई। मुख्यमंत्री मान दी इस पहल दे नाल जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है।